हेलो दोस्तों, मैनेजर साहू आज फिर आपके सामने आ गया हूँ और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेल एरर्स फॉर एसएससी। एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100% कंफर्म हो जाएगा अगर आप स्पेल एरर्स कर लेते हैं। कुछ बेसिक्स होते हैं, बस उन्हीं को आपको याद करना है। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे कि ई आई ऐसे आता है, डबल एल आता है, लास्ट में सिंगल एल आता है, ये सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए वो स्पेल एरर्स लेके आ रहा हूँ जो बार बार आते हैं, जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। चलिए तो देखते हैं। पहला, तो सबसे पहले आप ग्रामर को ही लर्न कीजिए। ग्रामर, इसमें दिक्कत कहाँ होती है मैं आपको बताऊं। ये जो एम ए आर, आप इसको हमेशा से एम ई आर लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आज मैं ये सारे वर्ड्स आपको कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो मर, ग्रा, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मर, तो आप किसकी वजह से एसएससी में मर रहे हो, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपकी रोड़ा कौन है, आपकी जो सक्सेस में वो बाधा कौन है। ग्रामर यानी कौन मार रही है आपको, ग्रामर, मर यानी कि ग्रामर, एम ए आर, एम ए आर से याद रखना है। क्या ग्रामर में क्या आएगा, एम ई आर नहीं आएगा, एम ए आर, मर रहे हो किसकी वजह से, ग्रामर। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। चलो विलेन देखो, आप लोग मूवी देखते हो, हीरो विलेन सब देखते हो, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा वर्ड। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये स्पेलिंग याद नहीं होगी, वी आई एल एल ए आई एन, विलेन, इस वर्ड को याद कीजिए, ठीक है। एंड देन पास पैसेंजर, इसको आप याद ऐसे कीजिए, दो वर्ड्स में याद कर दीजिए, एक पास और एक एंगर। तो पास एंगर, पास एंगर, ए नहीं आता है, बस याद यहां पर क्या रखना है कि एंगर में आपका क्या होता है, एंगर की स्पेलिंग ए एन जी ई आर, लेकिन आपको क्या याद रखना है यहां पर, एंगर यहां पर कौन सा, हम गुस्सा वाले एंगर की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ई एन जी ई आर, ई एन जी ई आर। तो आपको क्या याद रखना है, पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होती है, पास एंगर, पास एंगर, ए नहीं आएगा पैसेंजर में, ए नहीं आएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखिए, आप सभी ने सुना होगा शैंपेन, क्या इससे पहले किसी को पता था कि शैंपेन में एस भी नहीं आता है, शैंपेन की स्पेलिंग होती है चंपा गने। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रोनंसिएशन अपने हिसाब से उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग याद करना है। जैसे इसको याद क्या करेंगे आप, चंपा गने, मैंने इसको याद क्या किया था, चंपा गने, तो इसको सीधा याद हो जाता है चंपा, सी एच ए एम पी ए, चंपा गने, तो शैंपेन का क्या होता है, चंपा गने। अब देखो आपको ये वर्ड मैं बताता हूं, ये वर्ड जो काफी बार एसएससी में पूछा गया, इस वर्ड को आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। देखिए इस वर्ड का प्रोनंसिएशन होता है एसेसिनेशन, इसका मीनिंग होता है राजनीतिक कारणों से हत्या। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, एस एस आई नेशन, गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा देश, और यही आज की डेट में हो रहा है। आप देख रहे हो ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं लोग, एक गधा है उसके पीछे एक और गधा है, और उसके पीछे मैं, और उस पूरा देश उन्हीं की सुन रहा है। रैलियां हो रही हैं जबरदस्त, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तब कोरोना हो जाएगा। चलिए खैर छोड़ते हैं। तो एसेसिनेशन आपको कैसे याद रखना है, एक गधा है उसके पीछे एक और गधा है, उसके पीछे मैं, और उसके पीछे पूरा देश लगा हुआ है। ओके नेक्स्ट, कमेटी, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आती है, आपको डबल एम याद नहीं रहता है, कभी डबल टी याद नहीं रहता है, कभी डबल ई याद नहीं रहता है। तो आप एक चीज लर्न कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए कि आप एक कमेटी में गए, वहां पर तीन जुड़वा लोग आपने देखे, आपने तीन जुड़वा लोग देखे, तो कमेटी में कितने जुड़वा हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, डबल एम भी होता है, डबल टी भी होता है, और डबल ई भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद कैसे किया जाए, आपने अपनी नानी से झूठ बोला था कि आप क्या बनोगे, आर्मी में अफसर बनोगे, अफसर बनने के लिए सबसे पहले कोई भी अगर आर्मी में जाता है तो आपको क्या बनना होता है, सबसे पहले अफसर होता है लेफ्टिनेंट, ठीक है, आप जब किसी पोस्ट पर जाते हो एसएसबी क्लियर करके तो लेफ्टिनेंट ही बनते हो। तो आपने क्या नानी से झूठ बोला, लाई यू, आपने झूठ बोला, लाई यू टी यानी आपकी, नेंट मतलब नानी से, तो आपको क्या याद रखना है, लाई यू
यही दिक्कत होती है। अगर आपको लाई यू याद हो गया तो आप आगे का क्लियर कर लोगे स्पेल एरर में। यहीं पर आई ई की जगह ई आई कर देते हैं, या आई अकेला रहने देते हैं या ई अकेला रहने देते हैं। लाई यू तुम्हारी नानी से, तो लाई यू टे नेट। ओके, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है ल्यूचनेट। नेक्स्ट ओकेशन। ओकेशन का आपको प्रॉब्लम कहां होती है? अगर आपके सामने मैं लिख दूं ओकेशन, आप में से 90% लोग इसके प्लेस पर इसको सिलेक्ट करेंगे। ओकेशन बहुत से वर्ड्स में डबल एस आता है और आप डबल सी की जगह डबल एस वाले को टिक कर देते हैं, जबकि ये वर्ड होता है गलत। अब इसको याद कैसे रखा जाए? आपने बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनसे पूछा होगा, और भाई हो जाए आज, तो मैं ओकेशनली पीता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ओकेशनली। तो ओकेशन पे क्या होता है? सी सी खुलती है। क्या खुलती है? सी सी, समझ गया? कौन सी सी सी? बस वही सी सी। तो ओकेशन में एस एस नहीं, क्या आएगा? सी सी, सी सी खुलेगी। इससे याद रखो क्या? ओकेशन। अब देखो वैक्यू, अगर इसके प्लेस पर आपको दे दिया जाए वी ए सी सी यू एम, आप में से 90% लोग इसको भी टिक कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। यू यू एम किसी और में होता ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड और इंग्लिश में है नहीं जिसमें यू यू एम या डबल यू यूज हो जाए मिडिल में, ठीक है? तो आपको कैसे याद रखना है इसको? आपने किसी को मैसेज किया और फ्री हो तो उसने कहा यू यू आर फ्री, यू आर वैक्यूम, तुम खाली हो मैं थोड़ी हूं, समझ में आया? तो यू यू कितने बार? दो बार आएगा, यू आर खाली, समझ गए? तो वैक्यूम, सी की तो कोई बात ही नहीं है, यू आप खाली हो, तो यू कितने बार आएगा? दो बार। इस ट्रिक से इसको याद रखना, वैक्यूम में क्या आएगा? दो बार यू, ना कि सी, वो तो बिजी है, तुम ही हो फ्री जो उसके पीछे पड़े हुए हो। चलो डम्बेल, डम्बेल भैया बीवी, समझ गए? अगर आपका पेट निकला तो समझ गए क्या होगा? बीवी आपकी पिटाई करेगी। तो आपको क्या करना है? डंबल, डंबल लगाने हैं। डंबल नहीं लगाओगे तो क्या होगा? बीवी से पिटाई। इसलिए क्या करना है? डंबल, डबल भी आएगा डंबल में, ओके, और एल एल भी रहेगा। नेक्स्ट फेब्रुवरी। इस वर्ड की कहानी मैं बताता हूं, क्लास एट में था, मैंने जब पहली बार फरवरी की स्पेलिंग देखी फेब्रुवरी, मैं एकदम शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, ये स्पेलिंग कैसे हो सकती है? एफ ई आर और बी यू आर वाई होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। तो उस दिन मुझे याद हो गया कि हाँ फरवरी नहीं होता है, फेब्रुवरी होता है, और उसका प्रोनंसिएशन फरवरी करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है फेब्रुवरी। तो आपको क्या याद रखना है? इसको आपको इसके प्रोनंसिएशन से ही याद रखना है, फेब्रुवरी। तो फरवरी को क्या पढ़ेंगे आज से आप? फेब्रुवरी। और मैं आपको यहां पर बताता हूं वेडनेसडे की स्पेलिंग देख लीजिएगा, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे बोलते हैं उसको, और वेडनेसडे कभी कभी प्रोनाउंस करते तो आप उसको ऐसे ही याद कर लीजिए वेडनेसडे, जिससे आपको वो याद रहे। ओके, तो फरवरी हो गया, वेडनेसडे हो गया, डेज के नाम देख लीजिएगा, और एक बार आप मंथ्स के नेम भी देख लीजिएगा। जनवरी की स्पेलिंग भी जनवरी नहीं होती, जनवरी होती है। ओके चलिए, और आपको बताऊं सितंबर इजी होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है, बाकी तो इजी है। अब इसको कैसे पढ़ना है आपको? ये गलत लिखा हुआ है, सेपरेट। यहां पर दिक्कत क्या आती है? सेप रेट, ये याद कर लेते हैं, यहां पर ई नहीं है, क्या है? ए है। तो आपको इसको लर्न कैसे करना है? इसको भी आपको याद क्या करना है? सेपारेट, सेपारेट। इसका प्रोनंसिएशन आज से आप क्या करेंगे? सेपारेट, सेपरेट नहीं, सेपारेट। एक्चुअल प्रोनंसिएशन होता है सेपरेट, लेकिन आप याद क्या करेंगे? सेपारेट। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर ये दोनों वर्ड एसएससी के बहुत फेवरेट है, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है? इनको आप डायरेक्टली याद कर लो, या एक ट्रिक भी बता देता हूं। देखो प्रीसीड, प्रीसीड मतलब होता है पहले आने वाला, सुपरसीड जो किसी के बाद में आए। तो प्रीसीड में आप क्या याद करेंगे? सी आता है प्रीसीड, और सुपरसीड में क्या आता है? एस आता है। ओके, तो प्रीसीड पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी में पहले एस आता है या सी? सी। तो प्रीसीड में क्या आएगा? सी, और बाद में कौन आता है? एस। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस ट्रिक से कि सुपरसीड में क्या आता है? एस आता है, और प्रीसीड में आता है सी। चलो अब देखो गवार आंटी, अब इसकी स्टोरी सुनो। एक आंटी थी, कुछ सामान लिया इलेक्ट्रॉनिक, और उस दुकानदार से कहा भाई साहब अगर ये खराब होगा तो आप सही कर दोगे? उसने कहा अरे गवार आंटी, इस पे लिखा हुआ है कि इस पे क्या है? गारंटी है, आपका
एक्सचेंज होगा, सही भी नहीं करना पड़ेगा। तो गवार आंटी से आप क्या रखोगे याद, गारंटी। गारंटी में हम लोग क्या करते हैं, यू खा जाते हैं, तो इसको क्या याद रखना है, गवार। गवार में क्या आ जाएगा, जी यू गवार, और आंटी का आपको पता ही है ए एन टी ई, क्लियर है। दिक्कत कहां आएगी आपको, जी यू ए आर, यहां पर आपको क्या दे दिया जाएगा, जी ए आर, तो आप क्या करते हो जी ए आर को लगा देते हो, तो आपको क्या रखना है गवार, तो गवार में क्या आ जाएगा, जी यू ए आर, गवार आंटी। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग चलते हैं, मिलीनियर। ओके बनना सब चाहते हैं, स्पेलिंग किसी को नहीं पता, तो मिलीनियर की स्पेलिंग को कैसे याद रखोगे आप, मिलियन। ओके आप क्या कमाना चाहते हो, मिलियन, तो आप इसको दो वर्ड्स में लर्न कीजिए, कैसे करेंगे लर्न, एम एल एल आई ओ एन, मिलियन और एयर, कैसे याद होगा भैया, तो जब आपके पास मिलियन आएंगे तो आप कहां होगे, हवा में, जमीन पर तो हो गई नहीं, तो कैसे याद करना है, मिलियन और एयर। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, आपको एसएससी में जब एरर देगा तो यहां पर डबल एन कर देगा, मिलियनेयर। ओके तो डबल एन नहीं होता है, डबल एन आपको दिख रहा है क्या, नायर, नायर कोई वर्ड नहीं है, आपको क्या याद रखना है कि मिलियन जब आपके पास आए तो आप क्या हो गए, हवा में उड़ने लगे। ओके चलिए नेक्स्ट, डेफिनेटली, इसको आपको याद रखना है, देखो इसमें प्रॉब्लम कहां आती है मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेटली, अगर इन दोनों में आपको चूज करने को दिया जाए तो 80-90% लोग इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको इसको याद कैसे करना है, डेफिनेटली, मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था कि डेफिनेटली, डेफिनेटली, अब नेट का स्पेलिंग उसमें प्रोनंसिएशन नहीं आ रहा, डेफिनेटली का डेफिनेटली एक्चुअल प्रोनंसिएशन है, लेकिन मैं याद क्या कर रहा हूं, डेफिनेटली, तो मेरी क्या रहा है, ये वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी, क्लियर है। चलिए कैलेंडर, इस स्पेलिंग को याद कर लीजिए, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सभी इसको यूज करते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग कई लोगों को याद नहीं रहती है, तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, सी ए एल ई एन डी ए आर, कैलेंडर। फॉरेन सब जाना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन की स्पेलिंग बहुत कम लोगों को लर्न होती है, आप लोग याद कर लो इसमें कहां पर दिक्कत होती है, आर ई आई, ठीक है। रेन देखो, एफ ओ प्लस रेन, रेन मतलब होता है क्या, कोई शासन जहां पर होता है, रेन, किसी राजा का क्या होता है, रेन होता है, उसका क्या होता है, शासन होता है, उसकी एक प्रजा होती है, उसका एरिया, रेन मतलब क्या होता है, एरिया, तो फो मतलब दूसरा, एरिया, ठीक है, तो रेन से आप क्या करो रखोगे, एरिया होता है, तो आर ई आई जी एन, रेन, रेन जहां पर किसी का शासन होता है। चलिए तो इसके बाद माइनस स्कूल, इसको आप क्या याद रखोगे, मिनिस्कूल मतलब होता है अत्यंत छोटा, महत्वहीन, तो मिनिस्कूल इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको याद क्या रखेंगे, माइनस कूल, माइनस कूल, यानी कि माइनस करने के बाद आप क्या हो, कूल हो, माइनस एम आई एन यू एस, सबको पता है माइनस की स्पेलिंग एम आई एन यू एस, माइनस कूल। चलिए नेक्स्ट है चेंज एबल, नोटिस एबल, इन दोनों वर्ड्स को आपको ऐसे ही पढ़ना है, देखिए जब इसका स्पेलिंग एरर आएगा तो आपका लिख के आएगा, और सिमिलरली यहां पर भी ई को गायब कर दिया जाएगा, तो आप लोग इन दोनों में सिलेक्ट करोगे कि ई और ए साथ में कभी देखा देखा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको इनको याद रखना है कि भैया इसमें ई और ए दोनों आते हैं, इसको याद कैसे रखोगे आप, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, इसको प्रोनाउंस करोगे चेंज एबल, चेंज एबल, नोटिस एबल, नोटिस एबल। ओके अकरेंस में याद कीजिए कि अकरेंस में दो बार सी दो बार आर आएगा, ओके दो बार सी दो बार आर आएगा, अकरेंस, अकरेंस मतलब किसी चीज की पुनरावृत्ति, अगर डबल सी आप याद करो तो डबल सी कहां पर था, सी सी कहां खुलेगी, ओकेशन में, ठीक है, डबल एस नहीं डबल सी, ओकेशन क्या होता है, कोई समारोह, अवसर, ओकेशन, ओकेशनली, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ओकेशन, तो ओकेशन में क्या था डबल सी, अब अकरेंस में क्या डबल सी अकेला आएगा, इसमें तो और पुनरावृत्ति होनी है, तो क्या होगा डबल सी डबल आर, डबल सी डबल आर, अकरेंस में क्या आता है डबल सी डबल आर, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बलून, बलून में डबल एल भूल जाते हैं, डबल ओ सबको याद रहता है, डबल एल भूल जाते हैं, अरे भैया एक बात बताओ, अगर आपके पास दो बलून है तो आप दो उसमें स्ट्रिंग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, दो धागे लगाओगे ना, तो देखो इन दो बलून के लिए ये दो धागे हैं एल, अगर एल को आप ऐसे लिखते हो स्मॉल में, तो ये देखो दिखा अब आपको ये बलून के दो धागे, बलून, तो डबल एल डबल ओ, क्लियर। चलो इसको आपको याद रखना है, प्रोसीड्योर पढ़ने लगो, प्रोसीजर, प्रोसीजर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं प्रोसीजर,
प्रोसीजर, लेकिन इसको एक्चुअल में आप क्या प्रोनाउंस करोगे आज से? प्रोसीड्यूर, जिससे अगर एग्जाम में आएगा तो आपको यहां जी लिखा होगा, जे लिखा होगा, तो आप इसको टिक नहीं करोगे, आप टिक किसको करोगे? प्रोसीड्यूर, ये इसका रियल स्पेलिंग होता है। ओके, अब बुटीक सबने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा बुटीक की स्पेलिंग क्या होती है। BOUTIQUE, इसको आपको लर्न करना है ऐसे एज इट इज। बुटीक, बुटीक सबने सुना है ना, जहां पर ये साड़ी फॉल वगैरह का काम होता है, बुटीक। अब देखो क्यू, क्यू मतलब होता है लाइन, कोई लाइन में अगर लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यू। तो क्यू की स्पेलिंग होती है QUEUE, क्लियर है? QUEUE। बुके, आज की डेट में सब लोग देते हैं। अच्छा, इससे एक और वर्ड याद आया, बुफे, उसको भी याद कर लेना। बफर जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बुफे। आप लोग आज इस वर्ड को देखना, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। बफे सबने सुना होगा, बफर बफर बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नेम होता है बुफे। तो बुटीक और बुटीक के बाद बुके, इन दोनों को एकदम एग्जैक्ट सेम दिख रही है ना दोनों की, आप दोनों को एक जगह लिख लेना, दोनों को याद कर लेना। तो बुटीक और बुके, ये दोनों बहुत ही रिपीटेडली आते रहते हैं एसएससी में, इसको याद रखना। सभी लोगों ने 12th की है, लेकिन स्पेलिंग कितने लोगों को पता है कि 12th की स्पेलिंग क्या होती है? TWELFTH। F यहां पर आप लोग मिस कर देते हो 12th में, तो इसको आज से याद रखना है कि भैया क्या 12th की स्पेलिंग क्या होती है? F। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है क्या? आज आपको पता चल गया ना, कल के दिन कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए ना 12th की स्पेलिंग क्या है। या आप किसी को अगर फंसाना चाहते हो तो आप क्या पूछोगे? बताओ बेटा, अगर तुमने 12th किया है ना, अगर सही से किया है, नकल करके नहीं किया, तो बताओ 12th की स्पेलिंग क्या है? 12th, TWELFTH। ओके, तो 12th। यहीं पर मुझे एक और याद आती है तो उसको मैं लिख देता हूं, 90 की स्पेलिंग, काफी लोगों को नहीं पता होगी। 90 की स्पेलिंग में ई आता है भैया, 90, NINETY, इसको याद रखना। 90 में क्या आता है? NINETY, 90। 40, FOUR नहीं, FORTY, 40, FORTY, इसको याद रखना, यू नहीं आता है, ई आता है, क्लियर। नेक्स्ट, रिसीप्ट, रिसीव, डिसीव, CEI, पावती, रसीद, किसी को रिसीव करना, ठीक है, या कुछ पाना, रिसीव करना, और डिसीव मतलब धोखा देना। तो इन तीनों वर्ड्स को याद रखो, CEI होता है इसमें, क्या होता है? CEI, पावती, और किसी को रिसीव करना, और डिसीव मतलब धोखा देना। इसके बाद सिगरेट, काफी लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन स्पेलिंग पूछा जाए इल्ले, तो सीगारेटे। आज से आप क्या पढ़ेंगे? सीगारेटे, सीगारेटे, CIGA, सीगा, और RETTE, सीगारेटे, सीगारेटे। चलिए एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड याद आ रहा है, जो SSC में रिपीटेडली पूछा गया है कई बार। प्रिविलेज, डी नहीं आता है, आज 10 बार अभी अभी बोल लो, डी नहीं आएगा प्रिविलेज में, डी नहीं आएगा प्रिविलेज में, डी नहीं आएगा। हर बार गलती यही होती है, आप बार बार पढ़ के जाते हो, एग्जाम में आएगा और आप डी वाले पर टिक करके चले आओगे। मेरे साथ भी एक दो बार ये हुआ है, तो इसको याद रख लो कि प्रिविलेज में कभी भी डी नहीं आता है। आप जब भी इसकी स्पेलिंग देखोगे प्रिविलेज, तो आप हमेशा इस वाले को टिक कर देते हो। आपको ये नहीं करना है, आपको याद करना है प्रिविलेज, प्रिविलेज में डी नहीं आता है। एक और स्पेलिंग में बताता हूं, ट्यूशन, काफी लोग पढ़ाते होंगे लेकिन किसी को इसकी स्पेलिंग एक्चुअल नहीं पता होगी, TUITIUN। इसकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आज से आप सीख गए, TUITIUN, ट्यूशन, समझ रहे हो? तो ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है? TUITIUN। तो इतने वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ये वर्ड्स आप लोग एक दो बार और रिवाइज करेंगे, एक दो बार और वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो बार बार एग्जाम्स में आए हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द मैं PDF और ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं विद ट्रिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पर कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वरना आगे से वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये जो सेटअप है, ये आप देख रहे हैं माइक
ये सब मैं दूसरी जगह से अरेंज किया हूँ, अगर इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर क्यों मैं बनाऊँ? अपना आगे के लिए प्रिपरेशन जो कर रहा हूँ वहीं पर दूँ। काफ़ी टाइम लगता है इस वीडियो को शूट करने के लिए, कैमरा सेट करने के लिए, उसके बाद इसका एडिटिंग करने में, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है, वीडियो देखने से किसी का फायदा होगा, तब इसको शेयर कीजिए। मुझे लाइक्स व्यूज़ कुछ नहीं चाहिए, मतलब लाइक आप कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर आगे वीडियो बनाता हूँ तो आपके साथ शेयर। ये वर्ड कैमरे में नहीं आ पाया था, ये आपको याद रख लेना है कि सी गा रेट, आज से आप इसको क्या बोलेंगे, सी गा रेट। क्लियर? चलिए छोड़िए।